आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल जी, यहीं से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो मसालों में सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे। मसालों में हमने देखा है कि जीरे में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन धनिया और हल्दी में हमने मुनाफा वसूली बनती हुई देखी थी। आपकी क्या राय रहेगी धनिया के ऊपर? देखिए, धनिया के अंदर भी पिछला ट्रेडिंग सेशन देखें तो ये 10,300 के आसपास की, यानी 10,288 के आसपास का ये भाव था, और आज भी इसने उतार चढ़ाव दिखा रहा है। धनिए के अंदर मुझे लगता है कि अब अच्छी तेजी दर्ज हुई है, जबरदस्त मुनाफा कारोबारियों ने कमाया है। 6,800-6,500 का धनिया 10,300 तक की इसने मूवमेंट दी है, तो इन स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनती है। याद रखिएगा, कारोबारी बंधुओं को मैं अपना एक मत अवश्य देना चाहता हूं, जब आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है तो उसके अंदर कुछ मुनाफा हमेशा घर ले जाना चाहिए। मुनाफा वो नहीं जो डब्बे में है, मुनाफा वो नहीं जो बाजार में है, मुनाफा वो जो आपके बैंक में जमा हो जाए, जिसको आप जब चाहे निकाल सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें, वो है मुनाफा, असली मुनाफा वो है। तो जब अच्छा मुनाफा मिल चुका होता है, उस वक्त कुछ माल हल्का करने में कोई बुराई नहीं है। ये एक कारोबारी नजरिया होता है कि अपना टाइम से मुनाफा बुक कर लें, कुछ माल छोड़ दें, तो ये तरीका है। तो धनिया के अंदर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला सप्ताह बहुत विशेष रहने वाला है, तो भी अब ख्याल रखिए। मसालों के अंदर चाहे लाल मिर्च है, जबरदस्त तेजी उसने दिखा रहा है लाल मिर्च के। मैं धनिया के ऊपर अब मैं कहूंगा कि आप लाल मिर्च के ऊपर आप देखें, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर लाल मिर्च के अंदर अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।